फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी हम चलेंगे वर्दल की नाल। काफ़ी अच्छा स्थान है, पहाड़ों के बीच में स्थान है ये। जो है कुंभलगढ़ टू राजसमंद जो रोड जा रहा है उसी के बीच में गजपुर गांव आता है, उससे करीब 7 से 8 किलोमीटर अंदर पहाड़ों के बीच में है। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। यहाँ वर्दल की नाल के यहाँ पहुँच चुके हैं। थोड़ा सा और रहा है, ये पीछे जो नज़र आ रहा है यहीं तक व्हीकल जो आती है वो यहीं पीछे तक पार्क होती है। आगे थोड़ा पथरीला रास्ता है इसलिए व्हीकल ऊपर नहीं आती। तो चलते हैं फिर मंदिर के अंदर, देखते हैं कैसा मंदिर बना हुआ है। पूरा पहाड़ों के बीच में वर्दल की नाल का ये मंदिर बना हुआ है। काफ़ी पेड़ पौधे लग रहे हैं, यहाँ पर बंदर भी काफ़ी सारे हैं और पानी के कुंड भरे हुए हैं जगह जगह। ऊपर की तरफ चलते हैं, मंदिर जो बना हुआ है ऊपर जाके दर्शन कर लेते हैं पहले। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे स्वामीनारायण मंदिर बना हुआ है, स्थापना कर रखी है यहाँ पे भगवान की। काफी अच्छा और काफी सुंदर मंदिर बना हुआ है। फ्रेंड्स देखिए, मंदिर के बाहर की तरफ चारों तरफ बड़े बड़े से पहाड़ हैं, चट्टानें हैं काफ़ी बड़ी बड़ी सी। ये बिल्कुल पहाड़ों के बीच में ही पूरा मंदिर बना हुआ है, जैसा हमने आए थे तब देखा भी था वीडियो में कि पहाड़ों के बीच में मंदिर बना हुआ है। काफ़ी सुंदर और काफ़ी बड़ा मंदिर बना हुआ है पहाड़ों के बीच में। फ्रेंड्स इस तरफ ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के भी देखते हैं, ऊपर भी मंदिर बने हुए हैं। काफ़ी अच्छे से मंदिर बने हुए हैं, चट्टान के ऊपर बना हुआ है पूरा ये। ये यहाँ पे महाराज जी के रहने का स्थान है ये। यहाँ पे धूनी भी बनी हुई है ये। और इस तरफ देखते हैं आगे, देखिए आप, मैं बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आगे की तरफ शिवलिंग की स्थापना कर रखी है और ऊपर से पहाड़ों से पानी बह के आ रहा है, वो शिवलिंग के ऊपर अर्पित हो रहा है पानी। फ्रेंड्स यहाँ पे जो पुजारी जी हैं ये हमारे साथ जुड़े हैं, ये इस मंदिर के बारे में, यहाँ पे वर्दल की नाल जो मंदिर है इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। नमस्ते पुजारी। हाँ, आपका शुभ नाम? लहर सिंह बल्ला। अच्छा, यहाँ के मंदिर के बारे में क्या विशेषता है, कब मेला लगता है, कैसे? ये मेला पहले आकातीत का लगता था, अभी तो बंद हो गया, लॉकडाउन के हिसाब से बंद ही है। बाकी वर्दल की नाल के पर क्या है, ये मंदिर इतना फेमस क्यों है, क्या है? फेमस है, उदयपुर दरबार का हाथ का बना हुआ है। अच्छा, ये हजारों साल हो गए। अच्छा, स्वरूपदास जी के टाइम का। यहाँ कोई चमत्कार वगैरह ऐसा होता? चमत्कार ये गंगा की है, स्वरूपदास जी की माया है। अच्छा, अम्बेडकर जी के परिवार के थे संत। पानी कभी खत्म नहीं होता, मतलब कभी खत्म नहीं होता, बारह मास ऐसे चलता रहेगा। अच्छा, तो आप यहाँ पे ही रहते हैं?
यहाँ पे मैन त्रिवेणी दास महाराज है अभी। अच्छा, वो कभी बाहर जाते हैं तो हम सेवा में रहते हैं। यहाँ के थोरिया के पर यहाँ टूनी मैन ऊपर जो गुफा बनी हुई है। हाँ, वो कहाँ निकल रही, कितनी लंबी है ये? अंटाड़ा की दूनी निकली हुई है। अंटाड़ा यहाँ 25 किलोमीटर दूर। अच्छा, वो पहले के यहाँ से अगर शॉर्टकट ना पे तो कितना पड़ जाएगा अंदर से? अंदर से शॉर्टकट कम से कम तो 22 किलोमीटर तो है ही है। 22 किलोमीटर लंबी गुफा है। 22 किलो पहले के कोई संत निकले हुए है, अभी के तो कोई नहीं निकले। स्वरूप दास जी और ये अपने क्या नाम है देखो, अम्बोबा की धुनी। अच्छा, अम्बोबा और स्वरूप दास जी अप डाउन किए हुए हैं ये ऊपर से। अच्छा, उसके बाद में ऐसा कोई संत नहीं गया, वो अप डाउन होता था उनका अंदर से ही डायरेक्ट। मतलब यहाँ से 22 किलोमीटर लंबी गुफा लंबे। कहते हैं लोग पहले के संत अप डाउन करते थे। अच्छा, हम तो गए नहीं, हम तो गए होंगे तो 1 किलोमीटर तक अंदर, ज़्यादा नहीं। हर जगह महादेव जी का ही स्थान है यहाँ पे। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। इतनी गर्मी भी नहीं लग रही अभी, गर्मी का मौसम है फिर भी, क्योंकि चारों तरफ पेड़ पौधे और पानी। देखिए आप, पानी भी बिल्कुल अभी यहाँ पे सूखा नहीं है, ख़त्म नहीं हुआ है। ऊपर देखिए, सबसे ऊपर यहाँ पे हनुमान जी की स्थापना कर रखी है, बजरंगबली की स्थापना कर रखी है यहाँ पे। और एक बहुत ही यहाँ की जो खास जगह है, वहाँ चलता हूँ, बताता हूँ मैं आपको। फ्रेंड्स, ये जो गुफा है देखिए आप, काफ़ी गहरी गुफा है, काफ़ी अंदर तक जा रही है ये गुफा। लेकिन मेरे को बद्रीनारायण का एक मंदिर बना के दे दो। अच्छा, ये आमेट राज जी के परिवार के स्वरूप दास जी। अच्छा, उसके बाद में हरिदास जी, दोनों राजपूतों की मूर्ति। फिर तीसरा नंबर एमपी के, फिर सीताराम दास जी। अच्छा, ये एमपी के, इनके बाद में ये, फिर उनके बाद में फिर तीसरा नंबर चौथा नंबर ये प्रेमदास जी। फिर पांचवा नंबर गणेश महाराज जी दोड़ा के। अच्छा, ये ब्राह्मण देवता थे। अच्छा, चार पिंडी राजपूतों की गई, पांचवी ब्राह्मणों की। अच्छा, काफ़ी अच्छा स्थान बना हुआ है, चारों तरफ पहाड़, बीच में मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पे जो पुजारी जी थे उन्होंने भी जानकारी दी काफ़ी अच्छी। और ऊपर जो गुफा बनी हुई है, बता रहे थे कि 22 से 25 किलोमीटर लंबी गुफा है वो। फ्रेंड्स, ये जो स्थान मैंने बताया था आपको कि कुंभलगढ़ से राजसमंद जो जाता है उसी बीच में गजपुर गाँव आता है। गजपुर से करीब ये 6 से 7 किलोमीटर अंदर है। मेन रोड पर बोर्ड भी लगा हुआ है वर्दल की धुनी का, जो हमने देखा था स्टार्टिंग में। फ्रेंड्स, आपको ये मंदिर और ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टूरिस्ट प्लेस पर। फिर से मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू फ्रेंड्स।